उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार लगातार इसे और आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने ये मंत्रालय संभाला तो उस वक्त उत्तराखंड के आंचल दूध को लेकर काफी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इस शिकायतों को दूर किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ घाटे में थे, लेकिन आज सभी दुग्ध संघ मुनाफे में है। उत्तराखंड ने 2,60,000 लीटर दूध की सीमा को छू लिया है। पहले ये 2,05,000 से 2,10,000 के बीच हुआ करता था। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उनके समय में दूध के दाम 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए पराली पर सब्सिडी भी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में आंचल कई उत्पाद बना रही है जिसमें सुखद परिणाम सामने आए हैं। प्रति वर्ष अब यह 2024 में बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। आज हमारे साथ हमारे संजय पुरुषोत्तम जी और समस्त प्रेस के हमारे बंधु, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। और मेरे जो विभागों के, जैसे आपको पुरुषोत्तम जी ने बताया, चाहे वो डेयरी विकास हो, चाहे वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग हो, फिशरीज विभाग हो, उसके पिछले 3 साल में कुछ जो हमने कार्य किए हैं उत्तराखंड की जनता को रोजगार से जोड़ने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, उसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन है। और उसके साथ साथ दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हैं डेयरी विकास विभाग की, जो हम अपने सौगात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रदेश के जो हमारे दुग्ध पालक हैं उनको देना चाह रहे हैं। और पहली जो बड़ी घोषणा हम करने जा रहे हैं कि जो हमारे जितने भी दुग्ध संघ हैं, एग्जिस्टिंग दुग्ध संघ, उसकी जितनी भी पेंडिंग धनराशि है दुग्ध प्राइस की फार्मर्स की, उसको हम दिवाली से पहले पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे। और लगभग लगभग 12.5 करोड़ रुपए की ये धनराशि है जो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और दूसरा जो हमारी दुग्ध प्रोत्साहन राशि है 4 रुपए की जो पेंडिंग है, लगभग लगभग उसकी पेंडेंसी जो है 5 करोड़ 89 लाख की है, वो धनराशि भी हम दिवाली से पहले सारे हमारे फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने जा रहे हैं। तो ये एक सौगात है दिवाली की हमारे सारे जो दो हमारे यहाँ पेमेंट होते हैं दुग्ध संघ के माध्यम से, जो हमारे दुग्ध संघ से जुड़े हुए लोग हैं फार्मर। पहला जो हमारे मिल्क प्राइस होती है जो हम देते हैं, उसकी पेंडेंसी है लगभग लगभग 12.5 करोड़ रुपए की सारे दुग्ध संघों की मिला के, वो हम इस बार दिवाली से पहले पहले सारे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे। और दूसरा जो हम पर लीटर 4 रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं अपने फार्मर्स को, जो हमारे दुग्ध संघों से जुड़े हैं, उनको 5 करोड़ 89 लाख 92,000 की जो धनराशि है उसको भी हम दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से समस्त हमारे दुग्ध पालकों को एक सौगात के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि सबकी दिवाली शुभ हो और सब जो पेंडेंसी हो वो क्लियर हो।